हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न चैप्टर 4 ऑफ क्लास 2 टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी हेल्दी हैबिट्स। टू बी हेल्दी एंड कीप योर बॉडी क्लीन यू शुड फॉलो द प्रैक्टिस गिवन बिलो। अब हमें हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो हमें कौन कौन सी हैबिट होनी चाहिए वो हम आज देखेंगे। ब्रश ऑल योर टीथ ट्वाइस अ डे, मतलब कि हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए। ब्रश ऑल योर टीथ वेल, हमें हमारे जो सारे जो टीथ है उनको अच्छे से साफ करना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट द वंस एट द बैक, हम आगे आगे खाली हमें ब्रश नहीं करना है, हमें हमारे जो पीछे वाले टीथ है उनमें भी अच्छी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए। रिमेंबर टू क्लीन योर टंग विथ अ टंग विथ अ टंग क्लीनर, हमें हमारी टंग को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग, अदरवाइज अ फाउल स्मेल विल कम आउट ऑफ योर माउथ, हमें खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, माउथ को अच्छे से साफ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मुँह में से बदबू आती है। टेक बाथ विथ सॉप एंड वाटर एवरी डे, हमें साबुन और पानी से अच्छी तरह नहाना चाहिए। आफ्टर बाथ वाइफ योर सेल्फ विथ क्लीन एंड ड्राई टॉवेल, हमें नहाने के बाद हमारा जो बॉडी होता है वो गीला होता है ना, तो उस टाइम हमें ड्राई टॉवेल से सूखा टॉवेल लेके हमारी बॉडी जो है अच्छे से वाइप करनी चाहिए। कीप योर हेयर क्लीन एंड टाइडी, हमें हमारे बाल भी साफ और अच्छे रखने चाहिए। ईट फूड एट प्रॉपर टाइम, हमें खाना सही टाइम पे खाना चाहिए, ना ही कि हम बार बार अगर आधे आधे घंटे में खाते रहे, ये भी अच्छा नहीं है। तो हमारा एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, वही टाइम पे हमें खाना चाहिए। एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली, हमें डेली एक आधा घंटा भी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। गो टू बेड अर्ली, यू शुड स्लीप फॉर एटलीस्ट 8 to 9 hours, हमें रात को लेट तक जगना नहीं चाहिए, हमें जल्दी सो जाना चाहिए, और एटलीस्ट मतलब कम से कम हमें 8 to 9 hours सोना चाहिए। ये हमारी एक्सरसाइज है, हमने जैसे बोला कि एक्सरसाइज करनी चाहिए तो स्टैंड अप स्ट्रेट, हमें सीधा खड़ा रहना चाहिए। फिर दूसरी अगर हैबिट कौन सी हमारी अच्छी होनी चाहिए, कट योर नेल्स रेगुलरली, हमारे जो नेल्स है उसको हमें रेगुलर कट करना है। एंड कीप देम क्लीन, और हमारे जो नेल है उनको हमें साफ रखना चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स, हमें हमारे जो नाखून है वो हमें ऐसे हम दांतों से ऐसे बाइट करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। डू नॉट बाइट योर नेल्स। ईट हेल्दी फूड, अगर हम हैबिट अच्छी डालते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम सब ध्यान रखते हैं, उसके साथ हमारा जो फूड है वो भी हमें हेल्दी रखना चाहिए। ईट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स, हमें हमारे खाने में पत्ते वाली सब्जियां, फिर फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे जो फ्रूट होते हैं वो भी खाने चाहिए। हैव एटलीस्ट 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे, हमें डेली मतलब हर रोज का 2 glass दूध पीना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 glasses ऑफ वाटर एवरी डे, हमें 8 to 10 glass डेली पानी पीना चाहिए। अवॉइड ईटिंग ऑयली फूड एंड फ्राइड स्नैक्स एज दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, अगर आप ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हो या तो कोई फास्ट फूड खाते हो तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब वो खाना नहीं चाहिए। स्टेइंग अवे फ्रॉम जर्म्स, हमें जो जर्म्स होते कीटाणु होते उससे कैसे बचेंगे वो देखेंगे। जर्म्स आर फाउंड एवरीवेयर, जर्म्स जो है वो हर जगह पे होते हैं। वेन दे गेट इनसाइड योर बॉडी दे कैन मेक यू इल, अगर वो जर्म्स जो है वो आपकी बॉडी में जाते हैं तो आप बीमार हो सकते हो। सो कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू एयर वाटर एंड अदर ऑब्जेक्ट। अब जर्म्स जो है वो हर जगह पे होते हैं, मानो कि वो एयर से भी फैलते हैं, वाटर से भी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें
जर्म्स लगते और हम बीमार हो सकते हैं. दे स्टिक टू योर हैंड्स वेन यू टच अ डर्टी ऑब्जेक्ट. अगर आप कोई गंदी चीज़ को छूते हो तो भी आपके हाथों में जो जर्म्स है वो चिपक जाते हैं. सो वॉश योर हैंड्स केयरफुली विद सॉफ्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. इसीलिए आपको जो आपके हाथ है वो अच्छे से उनको केयर करनी चाहिए, धोना चाहिए अच्छे से, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में. जर्म्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. यू मस्ट वॉश देम वेल बिफोर ईटिंग. जर्म्स आर ऑल्सो फाउंड इन वाटर. ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टरेड वाटर. अब जर्म्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. हम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खरीदते उनमें भी जर्म्स होते हैं, तो उसको भी हमें खाने से पहले वॉश करना चाहिए, मतलब धो के हमें वो यूज़ करना चाहिए. और पानी में भी हमने देखा कि पानी में वाटर ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड और फिल्टरेड वाटर. पानी में भी जर्म्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को उबालना चाहिए या तो फिल्टर वाला पानी ही हमें पीना चाहिए. जर्म्स स्प्रेड इन द एयर व्हेन यू कफ और स्नीज. सो यूज अ क्लीन पीस ऑफ हैंडकरचीफ टू कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग. अब जब आप खांसते हो या छींकते हो तो उसमें भी जर्म्स होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको छींक आती है या तो खांसी आती है तो आप क्या करोगे, आपको उस टाइम आपका जो माउथ है वो एक हैंडकरचीफ, मानो कि छोटा सा एक रुमाल हो, तो उससे आपको उनको कवर करना चाहिए. थैंक यू. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडेल स्कूल कड़ी.